कौन है हजरत अब्बास इब्ने अली, जिनके लिए तहज्जुद में मौला ने दुआ मांगी हो, वो अली जिनके हसन हुसैन जैसे बेटे हों और कहें परवरदिगारा एक ऐसा बेटा दे जो करबला में मेरी नुमाइंदगी करे। अल्लाह जानता है ना कि वो अली जो मुश्किल कुशा हो, आज अली मांग रहे हैं, अब अल्लाह ने अली के हिसाब से अता किया। जब अता किया तो कहा अली मैं आपको अब्बास दूंगा। अजाना गिरामी, जैसे ही जनाब अमीर ने आगोश में लिया तो जनाब अब्बास ने अंगड़ाई ली, तो मौला ने फौरन कहा हाजा अब्बासुम, ये अब्बास है। मैंने किसी मकाम पे पेश किया था शेर की मुख्तलिफ हालतों और कैफियतों के नाम हैं। बस भाई पढ़ाने जा रहा बिल्कुल भी मेरी याद कैफियत अजीब व गरीब है, वहाँ पे मसाइब भी पढ़ के आया हूँ बहुत तफसील से। तो जाने के रामी बहुत नकाहत हो रही है, मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा इस वक्त, तो मैं पेश कर रहा हूँ आपकी खिदमत में जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम। शेर की मुख्तलिफ हालतें, असद मुतलक शेर को कहा जाता, शेर को अरबी में असद कहते हैं, हर हालत के अलग अलग नाम हैं। ज़िरगाम कहते हैं जो चीर फाड़ करने वाला शेर हो, ज़ैगम कहते हैं जो दौड़ता हुआ शेर हो, हारिस कहते हैं हिफाजत करते हुए शेर को, गजनफर कहते हैं बड़े और बूढ़े शेर को, तवज्जो, लैस कहते हैं गुर्राते हुए शेर को, गुर्राता हुआ शेर कहलाता है लैस, लाम ये और से, लैस गुर्राता हुआ शेर, और हमला करते हुए शेर को कहते हैं हैदर। हमला करता हुआ शेर हैदर, और अब्बास किस शेर को कहते हैं? तो मैंने लुगत में देखा तो मुख्तलिफ मानी लिखे थे, एक जगह लिखा है अंगड़ाई लेते हुए शेर को अब्बास कहते हैं, तवज्जो, दूसरी लुगत में लिखा था, फिरोजुल लुगात में लिखा था, अब्बास उस शेर को कहते हैं जिससे शेर फरार करें। अल्लाह के शेर ने कहा ये अब्बास है। भाई अब्बास कोई आम शेर नहीं, शेर खुदा का शेर है। मेरी तबीयत भाई चलते रहिएगा। जनाब अब्बास बहुत शुजा, बहुत दलेर, और मैंने किसी मकाम पे पेश किया था, इशारा कर रहा हूं सिर्फ, कि बेइंतहा खूबसूरत थे जनाब अली मुर्तजा, और सबसे ज्यादा आपकी आंखों की तारीफ की गई है। मौला की आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी, और जब आप मैदान जंग में जाते थे ना तो आप दांत भींच लेते थे, जब जुल्फ़िकार खींचते थे ना तो दांत भींच के जुल्फ़िकार को खींचते, आंखें सुर्ख हो जाती थी। अक्सर लोग आपकी आंखों को देख के वहीं मर जाते थे। मौला अली आंखों से दुश्मन को खा लेते थे, बड़े बड़े सूरमा का पित्ता पानी हो जाता था। जनाब अमीर की वही आंखें जनाब अब्बास के पास थी। जनाब अब्बास भी मौला की तरह निकाब रख के मैदान में उतरते थे, मौला भी निकाब अपना तहतुल हनक निकालते थे, अपने अमामे में से तहतुल हनक निकालते थे और मैदान में जाते थे। जनाब अब्बास सिफीन में सिर्फ 13 बरस के थे। अगर सुनना चाहें पढ़ो, 13 बरस के थे सिफीन में। तो एक मर्तबा जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम जनाब अमीर की जिरा पहन के मौला की सवारी पे सवार हुए, मौला की तलवार ली, मैदान में गए। जनाब अब्बास की जुल्फे तुलानी थी, रंग बहुत गोरा था, तो एक मर्तबा आपने तलवार खींची, लड़ना शुरू किया, सारी फौज कहने लगी अली आ गए, अली आ गए। तो दूसरे पूछते पता कैसे है? कहा आंखें वही हैं, तेवर वही हैं। चलिएगा, तो एक मर्तबा जनाब अमीर से किसी ने आगे कहा मौला आप यहां हैं? वहां मैदान जंग में हर आदमी ने शोर मचा रखा है, अली आ गए, अली आ गए। मौला मुस्कुराए, कहा लड़ने वाले से कहो अली ने बुलाया। जनाब अब्बास से किसी ने कहा आपको अली ने बुलाया, आपने निकाब नहीं उतारा। एक मर्तबा सवारी से उतरे, बस मौला का नाम आना था, घोड़े से उतरे, हाथ में तलवार थी, खून बह रहा था तलवार से, चेहरे पे अभी भी नकाब था। जैसे ही जनाब अब्बास को आता देखा ना, तो जनाब अब्बास के
स्या मामे पे स्या बाल चेहरे पे आए हुए थे, रंग गोरा था। मौला ने दूर से देखे कहा हाजा कमरो बनी हाशिम, हाजा कमरो बनी हाशिम, ये बनी हाशिम का चांद है। अच्छा जाना कि रामी जिस घर में एक ही खूबसूरत हो तो खानदान वाले सारे अलकाब उसे दे देते, नहीं पहुंचा सका कि भाई ये खूबसूरत है, यही चांद है, यही सूरज है, यही सितारे, सब कुछ यही है। और अगर किसी खानदान में सभी खूबसूरत हो, अब पहुंच रही है बात, सभी खूबसूरत हो, कोई हमजा हो, कोई जाफर तैयार हो, रसूल खुदा, अली मुर्तजा, इमाम हसन हुसैन के तो नाम ही हुसन से निकले हैं, बहुत खूबसूरत थे। जहां सभी खूबसूरत, वहां जनाबे अमीर फरमा रहे हाजा कमरो बनी हाशिम। अब सोचें कितने खूबसूरत होंगे, सिर्फ आंखें नहीं, नाक जनाबे अब्बास का, आपकी पेशानी, लब, आपके बाजू, आपका कद, हर चीज देखने से ताल्लुक रखती थी। जो एक दफा देखता था वो वापस आके पूछता था कौन है। जब जनाबे अब्बास मदीने के बाजार में जाते थे, बाजार रुक जाता था। जनाबे जैनब को किसी ने कहा जब आपका भाई जाता है बाजार रुक जाता, जनाबे जैनब ने बुलाया कहा भैया आज के बाद से चेहरे पर नकाब रखना, कहा बीबी जैसा आपका हुक्म, कहा भैया कहीं नजर ना लग जाए। सारे मदीने वाले एक ही बात करते हैं अब्बास अब्बास है। रहमल्लाहु मन क़रा अल फातिहा।